चलिए मैच ऑन होने जा रहा है, दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं इस मैच। रफीक ऑन स्ट्राइक, एक स्टार खिलाड़ी, पहली गेंद, अच्छा स्ट्रोक, सिंगल के साथ अकाउंट ओपन किया है। मेहताब, आदिल, बड़ा हिट लगाने की कोशिश, मौका है, विकेट का पतंग होता हुआ, कैच आउट के रूप में विकेट गिरती हुई और पहली सफलता यहां पर गेंदबाज आदिल को जरूर मिलती हुई। बड़ा झटका लगा है, इस झटके से उभरने में कितना समय लगता है ये देखने वाली बात होगी जरूरी। न्यू बैट्समैन आए हैं, फरियाद, नजदीकी मामला है, बहुत ही अच्छा कॉल रफीक का, नॉन स्ट्राइक हैंड पर है, उन्होंने बहुत ही चतुराई के साथ कॉल दिया, रिस्क से भरा रन था, दुर्घटना घट सकती थी, गेंद रही डॉट के रूप में। आदिल अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार ये बड़ा हिट, 200 रुपए की इनामी राशि के बनते हुए हकदार फरियाद। हर सिक्स पे आपके ऑनर की तरफ से 200 रुपए की कैश प्राइस की इनामी राशि। बैकफुट पर हटकर कट किया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल जेआरएस के जो खिलाड़ी है मेरे ख्याल से सर पे बर्फ रख के खेल रहे हैं। जल्लू भाई अच्छी गेंद पर सम्मान देते हैं और खराब गेंद का समाचार ले रहे हैं, बहुत ही अच्छी उमदा बल्लेबाजी। अगली गेंद लेग साइड में डालने की कोशिश आदिल की, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, एक रन मिलेगा जरूर, एक रन से संतुष्ट। और ये रफीक क्लासिक स्ट्रोक आउट ऑफ द पार्क, 6 रन, व्हाट अ हिट, दिस इज अ बिग ब्लो। स्क्रीन पे आप स्कोर देख सकते हैं, स्कोर तेज गति से बढ़ता हुआ, 15 रन एक ओवर की समाप्ति के बाद, व्हाट अ हिट, क्या बात है। रफीक चौधरी फरियाद सामना करने के लिए सज्ज होते हुए। हमीद, नो डाउट हमीद एक परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम में, इस वक्त देखते हैं उनकी गेंदबाजी कैसी होती है, क्योंकि पहली ओवर में एक विकेट जाने के बाद रनों की जो मशीन यहां पर बनकर रफीक और फरियाद उतरे हैं, 15 रन लूट लिए, सिंगल रन, अच्छे तरीके से स्ट्राइक को रोटेट किया, इनफॉर्म बैट्समैन को स्ट्राइक रोटेट की है। अब देखने वाली बात यह है, स्कोर है 16 रन। रफीक एक स्टार खिलाड़ी के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं, मुंबई की जानी मानी टीम में खेलते हैं, लेकिन इस वक्त उनका लक फैक्टर साथ नहीं देता हुआ, खूबसूरत सा कैच विकेट का होता हुआ, पतंग लगता हुआ, इस वक्त जेआरएस टीम को बड़ा वाला झटका। और मोहम्मद ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कैच को लपका है, अंडरआर्म क्रिकेट हो या फिर ओवरआर्म क्रिकेट हो, गली मोहल्ले का क्रिकेट हो और उसमें मोहम्मद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर फॉर्म में खेलने वाला ये खिलाड़ी मोहम्मद, उन्होंने इस कैच को लपका, विकेट का हुआ है पतंग। न्यू बैट्समैन आए हैं एजाज, एजाज इस वक्त स्ट्राइक पर है, रफीक की कमी पूरी करने के लिए भेजा गया है, बिल्कुल चीकी सिंगल, चतुराई भरा स्ट्रोक कहा जा सकता है, एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, उन्हें पता है विकेट गिरा है, इस चोट से उभरने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने जरूर मिलती हुई। पार्टनरशिप बनाने की, पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश दोनों ही बल्लेबाजों की होगी जरूर। अगली गेंद लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, अतिरिक्त रनों में एक रन शुमार होता हुआ, रनों की रन संख्या आगे बढ़ती हुई, स्कोरबोर्ड पर स्कोर 18 रन, सिंगल के लिए निकले हैं जरूर और कंप्लीट किया है एक रन आसानी के साथ, स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। बिग ब्लास्ट क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 ये यादगार दिन रहेगा, क्योंकि 30 साल बाद खताब को मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी मिली है।
बिल्कुल, लक फैक्टर आज उनके साथ में है क्योंकि आज बर्थडे बॉय भी उनके साथ ही है, बिलाल। सिंगल लेने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, गेंद रही डॉट के रूप में। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार हमित सज्ज होते हुए। हमित की अगर बात करें तो यंगस्टर खिलाड़ी है, एक युवा खिलाड़ी है, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। इस बार थोड़ा सा लेग कटर करने की कोशिश, नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। 2 रन का होगा इजाफा और स्कोर चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ता हुआ 21 रन, 21 रन्स। 5 गेंदें हमित की हो चुकी हैं, अच्छी सूझबूझ भरी मैं तो कहूंगा गेंदबाजी अब तक की है हमित ने। बहुत ही अच्छी गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, नो डाउट ओवर की हुई है समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 21 रन। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना प्लीज मोहम्मद। मोहम्मद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, नो डाउट, क्लीन बोल्ड, बेहतरीन लाइन और लेंथ, विकेट का होता हुआ पतंग लगता हुआ इस वक्त बैटिंग टीम को झटका एजाज के रूप में। जेआरएस टीम का स्कोर 21 रन, 2 विकेटों के नुकसान के बाद 2 ओवर 1 बॉल अब तक की डिलीवर हो चुकी है। 11 गेंदें अभी भी बची हुई हैं इस इनिंग की। हासिम स्ट्राइक पर हैं, उनसे आशा और उम्मीद होगी टीम को ज्यादा। अगर 40 से 45 रन के आसपास ये टीम स्कोर करती है तो एक फाइट जरूर, फाइटिंग मैच जरूर देखने मिलेगा। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, व्हाट अ हिट, आते ही साथ अपने इरादे दर्शाए और 200 रुपए की इनामी राशि जरूर यहां पर मिलेगी बल्लेबाज हाशिम को। एक और बड़ा हिट, दिस इज द बिग ब्लो, बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 सिक्स, मैच का यहां पर रुख ही बदल दिया। हैट्रिक अगर 6 की जड़ते हैं, 3 गेंदों में 3 सिक्स जड़ते हैं तो 500 रुपए की इनामी राशि सोहेल भाई की तरफ से। अरे हैट्रिक पर ऑनर की तरफ से भी 500, क्या बात है, 1000। क्या हैट्रिक 6 लगाने वाले ये पहले बल्लेबाज बनेंगे आशिम। इस बार लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, अंपायर ने हाथों को फहराया, गेंद को वाइड घोषित किया, वाइड बॉल कंटिन्यू है ऑन हैट्रिक। विकेटों की हैट्रिक बने मानी जाती है लेकिन सिक्सों की यहां पर हैट्रिक के कदार पर। कैच था लेकिन मिस कर बैठे और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 35 रन, 3 विकेटों के नुकसान के बाद। 4 गेंदें मोहम्मद की हो चुकी है, काफी महंगा ओवर कहा जाएगा इस ओवर में। लगभग 2 बड़े हिट जरूर देखने मिले, 1 विकेट मिला है लेकिन 2 सिक्स ने मैच का रिजल्ट चेंज किया है जरूर, स्कोर चेंज हुआ है जरूर। इस बार ये अच्छी बॉल रही, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप रखा था गेंद को, टप्पा बहुत ही बढ़िया और थोड़ी सी स्विंग उसमें देखने मिलती हुई। इस बार ये अच्छा स्ट्रोक, 1 रन के लिए निकले हैं आसानी के साथ, 1 रन पूरा किया। ओवर की हुई है समाप्ति, लगभग 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 36 रन, 3 विकेटों के नुकसान के बाद 6 गेंदों का खेल अभी भी बाकी।
नए गेंदबाज आए हैं और ये बड़ा हिट लगाने की कोशिश चार रन। अफान अफान की अगली गेंद फरियाद क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस बार कैच का मौका है और विकेट का पतंग होता हुआ। मोहम्मद न्यू बैट्समैन अफान की अगली गेंद का करेंगे सामना। डायरेक्ट हिट करने की कोशिश लेकिन यहां पर चूकते हुए नजर आए खिलाड़ी और एक रन आसानी के साथ पूरा किया। 41 रन 3 ओवर 3 गेंदे हो चुकी हैं, 3 गेंदे अभी भी बची हैं। एक 50 रन के आसपास जेआरएस पहुंचती है तो फिर यहां पर बात बन सकती है और प्रोजेक्ट अगर बात करें इस बार यह बड़ा हिट, दिस इज अ बिग ब्लो, 4 रन। प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर बात करें तो लगभग 49 के आसपास का यहां पर दिखाता हुआ, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से होती है बल्लेबाजी। अगली गेंद और ये ब्यूटीफुल स्ट्रोक, व्हाट अ हिट, क्या बात है, 6 रन। जेआरएस चैंपियंस, अगली गेंद, ये अच्छी बॉल रही, डॉट डिलीवरी, ओवर की हुई है समाप्ति। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं, स्कोर दर्शाता हुआ 51 लक्ष्य रखा गया है 52 रनों का, जीत के लिए बनाने होंगे 52 रन्स। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बिग ब्लास्ट क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 स्पॉन्सर बाय राजन की ने, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फ्यूरियस ग्रुप और जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, स्पेशली थैंक्स और स्पॉन्सर की अगर बात करें तो स्पॉन्सर बाय होमोफाइ स्टूडियो, आसिम सिद्दीकी साहब, ओलंपिया जिम, वामिक खान साहब, हाजी होटल, सलमान हाजी साहब, टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक, इब्राहिम शेख, यादगार फैमिली रेस्टोरेंट, मुकीम कुरेशी साहब, केजीएन एंड सिद्धि विनायक, निजाम शेख और सफी साथी, अल मुबारका कैटरेस, फैजान सैयद साहब, आउटफिट बुटीक तौफीक और शानू भाई, इद्रीस कैटरेस, रमीज खान साहब, एफ के ट्रेडर्स, आफताब खान, अल कफीफ, ओवेस भाई, ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। इन सभी का शुक्रिया अदा करेंगे कि इस प्रतियोगिता के लिए आपने जो स्पॉन्सरशिप दी, थैंक यू सो मच। बिग ब्लास्ट 2021 बिगेस्ट टूर्नामेंट इन टर्फ, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की अगर बात करें तो हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फ्यूरियस में जुड़े हुए जो हमारे मेंबर्स हैं उनका भी स्पेशली थैंक्स करते हैं, शाकिर खान, शानवर शेख, आवाज शेख, यासिर खान, सद्दाम खान, इन सभी ने इस टूर्नामेंट को सजाने और संवारने में बहुत मेहनत की है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फ्यूरियस ग्रुप के ये सभी मेंबर्स, थैंक यू सो मच हमें भी इनवाइट करने के लिए, इस प्रतियोगिता का, इस टूर्नामेंट का एक हिस्सा बनाने के लिए आप सभी कमेटी मेंबर्स का हम थैंक यू जरूर शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए मैच ऑन होने जा रहा है, लक्ष्य रखा गया है 52 रन, सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच में उतरती हुई, हमीद और उनका साथ देने के लिए उतरे नॉन स्ट्राइक हैंड पर इकबाल, गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है इस वक्त गेंदबाज रफीक। रफीक की पहली गेंद पर अटैक, गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। हमीद और रफीक आमने सामने बिल्कुल ऑपोजिट में खेल रहे हैं, बड़े भाई छोटे भाई,
आमने सामने। इस बार लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा जरूर आता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। मौका है कैच का और ये कैच ड्रॉप। ओ हो, ये विकेट बहुत बड़ा था। जेआरएस में रफीक का विकेट अहम है, तो उसी तरीके से उल्लू द पट्टा टीम में हमीद का विकेट इंपॉर्टेंट है। इस बार इकबाल बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, कारपेट के सारे खेला गया स्ट्रोक, सिंगल आसानी के साथ पूरा किया, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। इस बार मौका है, आसान सा कैच, विकेट गिरती हुई, विकेट का पतंग होता हुआ रफीक के हिस्से में आती हुई हमीद की विकेट यानी उनके भाई की विकेट, बड़ा झटका लगता हुआ टीम उल्लूदा पट्टा 11 टीम को। और मौका था, 1 रन के लिए निकले हैं जरूर, अंपायर की पहनी निगाहें हैं बिल्कुल यहां पर नजर आती हुई। अजीज शेख और लोकप्रिय अंपायर जावेद, टर्फ पे मुकाबला हो तो जावेद खान एज अ अंपायर की भूमिका में नजर आते हैं, एक खुद अच्छे क्रिकेटर भी हैं और एक अच्छे अंपायर की भूमिका इस वक्त निभाते हुए। पंद्रह मिनट याद रखिए, टाइम लिमिट है 15 मिनट, इससे ज्यादा का समय आपने लिया तो आपको पेनल्टी। अगली गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी नो डाउट। इकबाल गेंद को समझ नहीं पाए, गेंद डॉट होती हुई और ओवर की हुई है समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर नजर डालते हैं, स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 8 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद जीत के लिए 52 रनों का पीछा इस वक्त करती हुई टीम उल्लू द पट्टा। नए गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी की कमान पर, मोहम्मद सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है और इकबाल को दिया है मौका। मोहम्मद इस बार मौका था रन आउट का, दुर्घटना घट सकती है और विकेट का पतंग होता हुआ। मैं तो कहूंगा यहां पर इकबाल ने अपना विकेट जरूर गवाया है, सुसाइड किया है, आत्महत्या की है। चाहते तो अपने विकेट को सेव कर सकते थे, लेकिन नॉन स्ट्राइक हैंड के जो बल्लेबाज हैं उनका कॉल काफी रॉन्ग था और विकेट गिरती हुई जरूर। नेक्स्ट बॉल का सामना करेंगे यहां पर बल्लेबाज आदिल, मौका है और मौके को भुनाया है, विकेट का पतंग होता हुआ स्टंपिंग के रूप में। क्या बात है, मोहम्मद नन्ना मुन्ना जादूगर, क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोरबोर्ड पर स्कोर थमा हुआ, रुका हुआ, 3 विकेटों के नुकसान के बाद बैक टू बैक 2 झटके लगे, एक रनआउट एक स्टंपिंग। आए हैं न्यू बैट्समैन इस वक्त अफान, मोहम्मद नो डाउट किफायती गेंदबाजी, 1 रन दिया है, 1 रन के लिए निकले हैं जरूर और 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए। मोहम्मद जिम्मेदारी ज्यादा होगी क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा है, 52 रन्स का पीछा करना है, गेंदें काफी कम है हिस्से में, लगभग 14 गेंदें बची हुई हैं और स्कोरबोर्ड पर नजर डाले तो 50 रन, 10 गेंदों में अब बनाने होंगे 42 रन। इस मैच को अगर जीतना है तो 42 रन कंपलसरी इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए।
मोहम्मद बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, बॉल और यहां पर बैट की मुलाकात नहीं हुई, बचा हुआ काम कीपर ने किया, गेंद रही सुरक्षित डॉट के रूप में। इस डॉट डिलीवरी के साथ एक अच्छी कमबैक की कोशिश और अच्छी गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए गेंदबाज मोहम्मद, नो डाउट अच्छी लाइन और लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार हाथों से गेंद छटकती और छूटती हुई नजर आई, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद को कर बैठे थे, अतिरिक्त रनों में जुड़ेगा एक रन, स्कोर 11 रन। अगली गेंद बड़ा हिट लगाने की कोशिश, कामयाबी, हाथ लगती हुई गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, 6 रन के लिए, व्हाट अ हिट, क्या बात है, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेसमेंट, ताकत का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन और गेंद पर मोहर लगी है 6 रन। यस मोहम्मद, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं स्कोर बोर्ड पर 17 रन दर्शाता हुआ, 12 गेंदें बची हुई है, 35 रन की जरूरत है, 12-35 का ये मुकाबला, JRS ऑफिशियल कॉल है टाइम के लिए, 15 मिनट से ज्यादा का समय नहीं दिया जाएगा। फील्डिंग यूनिट टीम, टाइम लिमिट के बेस पे खेलना है, अगर आपने टाइम ज्यादा वेस्ट किया डायरेक्ट पेनल्टी है, अगर अंपायर ने वहां से वॉर्न कर दिया तो फिर पेनल्टी आपको डायरेक्ट घोषित की जाएगी। बारह गेंदे 35 रन, मैच को जीत में तब्दील करने के लिए, और यहां पर देखिए व्हाट अ हिट, क्या बात है, बहुबली 6 रन, क्या बात है, हट्टे कट्टे शरीर के हैं और लंबा हिट जड़ दिया है इस वक्त बल्लेबाज अफान ने। अफान नो डाउट बहुत ही फुर्तीले प्लेयर हैं, चुस्त और दुरुस्त। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ, रनों की रन संख्या में बढ़त देखने मिलती हुई, स्कोर 24 रन। एक रन के लिए निकले हैं जरूर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए विकेट के पीछे जो प्लेयर्स खड़े हैं वहां से हटना है प्लीज, ऑरेंज जर्सी के जितने भी प्लेयर है राइट हैंड साइड पे आना प्लीज। इस बार मौका है, खूबसूरत कैच, मोहम्मद की विकेट गिरती हुई, टीम शेजान रेडी रहना है टॉस के लिए, और JRS कैप्टन, मैच की समाप्ति के बाद ताबड़तोब टॉस किया जाएगा, रफीक रेडी रहना है मैच के लिए क्योंकि इसके बाद ताबड़तोब आपका ही मुकाबला है। न्यू बैट्समैन आरिफ, बड़ा हिट लगाने की चाहत दर्शाई थी लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट, लाजवाब, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल स्ट्रोक विद द रन जिसे कहा जाता है, उसी तरीके का दृश्य इस वक्त देखने मिलता हुआ, और एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 26-26 रन, अंपायर जावेद खान का इशारा आता हुआ नो बॉल, बिल्कुल अंपायर की पहनी निगाहों की तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से इस मैच में वो अंपायरिंग कर रहे हैं लाजवाब, नो डाउट। गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में, स्कोरबोर्ड पर स्कोर देखें, 25। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, रन्स स्कोरबोर्ड पर, 6 गेंदों में 23 रन की जरूरत इस मैच को अगर जीतना है बैटिंग यूनिट टीम। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है आशिम ने, आशिम अंतिम और आखिरी ओवर लेकर आए हैं, सिंगल के लिए निकले हैं जरूर, एक रन आसानी के साथ पूरा किया है। अफान पर जिम्मेदारी ज्यादा है, अगर इनका बल्ला चला तो शायद रन बन सकते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, क्या बात है, परफेक्ट ब्लॉक हॉल में डाली गई गेंद थी, बल्लेबाज ने अपनी विकेट को बचाया है। अगली गेंद
एक रन के लिए निकले डायरेक्ट हिट, रन आउट के रूप में विकेट गिरती हुई। टीम शेजान रेडी रहना है, नेक्स्ट मैच आपका है। टीम शेजान अगली गेंद आशिम की, ये बड़ा हिट, इसी तरीके के स्ट्रोक्स की जरूरत थी। नॉन स्ट्राइक हैंड पर जिशान, जिन्हें प्यार से मॉर्कल कहा जाता है। स्कोर 36, सिंगल लिया है जरूर, एक रन, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। मैच में इस वक्त सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई है और ये खूबसूरत कैच। चलिए मैच की हुई है समाप्ति, वेल डन गाइस, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन जे आर एस चैलेंजर्स चैंपियंस हमेशा एक कदम आगे, यानी एक पॉइंट्स, दो पॉइंट्स से आगे लीड करती हुई। मैन ऑफ द मैच की तरफ आपको लिए चलते हैं। मैन ऑफ द मैच कौन दिखा रहे? मैन ऑफ द मैच प्लीज वेलकम मिस्टर हाशिम आसिम, जिन्हें प्यार से वाचा बोलते हैं। आइए वाचा, आपको यहां पर मैन ऑफ द मैच जरूर दिया जाएगा। टीम कैप्टन ऑनर्स भी आ चुके हैं टॉस के लिए। सद्दाम भाई आइए, जेआरएस के ऑनर की तरफ से जो प्राइज मनी है। रफीक आना है, रफीक अंदर आना है। फरियाद आपको भी आना है, वाचा आपको भी आना है। ये तीन खिलाड़ी, रफीक 1-6 ₹200 के कैश प्राइज। फरियाद 1-6 ₹200 कैश प्राइज और वाचा 3-6। बिल्कुल हमारे बीच स्थानीय जो नगर सेवक हैं माने श्री राजन दादा केने साहब, उनके सपुत्र इस वक्त हमारे इस प्रतियोगिता में जुड़ चुके हैं, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बिग ब्लास्ट क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 स्पॉन्सर बाय राजन केने साहब और ऑर्गेनाइजर कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी बाय फ्यूरियस ग्रुप। इस वक्त हम देख सकते हैं मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी यहां पर दी जा रही है वाचा। 3-6 और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग इन्होंने की अपनी टीम के लिए। वेल डन वाचा, वेल डन, वेल प्लेड। चलिए टॉस का बॉस कौन बनता है देखते हैं। टॉस होने जा रहा है जेआरएस वर्सेस शेजान के बीच। दोनों ही टीम को शुभकामना है और दोनों ही टीमें एक एक मैच जीत चुकी है, कॉन्फिडेंस लेवल दोनों ही टीम का हाई है। खताब आज अच्छा खासा इनका हिसाब किताब रहा, 30 साल के बाद मैन ऑफ द मैच, क्या बात, 20 साल के बाद। टॉस जीतने वाले कैप्टन रहे शेजान वर्सेस जीआरएस का नेक्स्ट मैच। टॉस जीतने वाली टीम रही शेजान और टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लिया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑल टीम मेंबर शेजान, ऑल टीम मेंबर प्लीज ग्राउंड में प्रवेश करना है, टाइम नहीं है, मैच को ताबड़तोब ऑन करना है क्योंकि काफी सारे मैचेस बचे हैं, कंप्लीट कराने हैं।
चलिए ग्राउंड का ताबा लेना, टाइम वेस्ट नहीं करना। शानू भाई ग्राउंड के अंदर प्लीज, ग्राउंड के अंदर। मैच का टाइम जो रखा गया टाइम शेड्यूल वो बेस पे खेलना है, बाकी अगर जीत गए तो फिर ढाबा आपका तो ओपन ही है बिंदास। चलिए 15 मिनट में आपको इनिंग समाप्त करनी है टॉस उड़ने के एग्जैक्टली बाद।